हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एवरीडे मेकअप लुक। ये बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल मेकअप लुक है। जो एवरीडे में मेकअप करना पसंद करते हैं उनको ये लुक बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये लुक को क्रिएट किया है। ओके गाइस, सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाहर बारिश हो रही है, सो प्लीज़ अगर नॉइज़ आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एवरीडे मेकअप लुक। जैसे सो आई एम गोइंग टू अप्लाई माय मॉइस्चराइजर, और आपको पता है कि कभी भी आप जब भी मेकअप करते हो सो फेस वॉश एंड टोनर करने के बाद मॉइस्चराइजर इज मस्ट। बाय द वे मैंने अपने नेल करवाए हुए हैं, चेंज करवा दिया मैंने नेल आर्ट अपना, और ज़्यादा दिन हुआ नहीं था फिर भी मुझे चेंज कराना पड़ा क्योंकि मेरे जो नेल्स थे वो थोड़े बहुत निकल गए थे, बिकॉज शायद सही से लगे नहीं थे या कुछ प्रॉब्लम था। क्योंकि इसके पहले जब मैंने करवाया था कोलकाता में तो मेरा वहाँ बहुत दिनों तक चला था। ऑलवेज स्टार्टिंग योर मेकअप, आप हमेशा अपना स्किन को प्रेप करना, बहुत इंपॉर्टेंस देना इस बात पे। और मैंने जो अभी ये कुर्ती वेयर की हुई है ना, इट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। मैंने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है। जस्ट मैं ऐसे ही ऐप पे गो थ्रू कर रही थी और मैंने देखा इतने वराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पर थे। फ्लिपकार्ट पे ना हर वीक जो है ना वो लेटेस्ट सिलेक्शन का रिफ्रेश होता रहता है, सो आपको हमेशा लेटेस्ट कलेक्शन देखने को मिल जाता है। कि नाउ अभी क्योंकि ये एवरीडे मेकअप लुक है तो मैं अप्लाई करूंगी बीबी क्रीम, क्योंकि मेरे स्किन पे हल्के बहुत अनइवन स्पॉट हैं और यू नो थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है जिसको मैं हाइड करने के लिए हल्का सा बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। बट इफ़ यू वॉन्ट लिटिल कवरेज यू कैन ऑल्सो यूज फाउंडेशन, और अगर आप नहीं कुछ भी अप्लाई करना चाहते हो जस्ट अप्लाई अ नॉर्मल रेगुलर एवरीडे वाला क्रीम। ये मेकअप लुक की खासियत यह है कि आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो यूज़ करी वही आपको यूज़ करना है, ये आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्लिपकार्ट के बारे में मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाता है इजी रिटर्न पॉलिसी, इजी एक्सचेंज पॉलिसी, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लग्जूरियस ही नहीं बल्कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। सो डू चेक फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट पे ना जो क्लोथ क्वालिटी मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल ग्रेट क्वालिटी के क्लोथ प्रोवाइड करता है। सबसे अच्छी बात, फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स के साथ अश्योर करता है कि वो 6 क्वालिटी चेक को पास करे तभी वो आप तक रीच आउट करे। बीबी क्रीम को अपने आईलिड्स पर भी यूज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द बीबी क्रीम, इसकी बीबी क्रीम में ना आपको फाउंडेशन, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इन सबका मिक्सचर मिल जाता है, इसलिए एवरीडे के लिए ये परफेक्ट होता है। मुझे एवरीडे में कुर्ती वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत कंफर्टेबल भी लगता है। और बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग वुमेन होंगी या फिर यू नो घर पे भी आप एवरीडे में कुर्ती पहनना पसंद करते हो, अफोर्डेबल कुर्तीज ट्राई करना चाहते हो, ये जो लुक है ना ये आप उन सारे कुर्तीज पे कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड एवरीडे काइंड ऑफ कम्फर्टेबल कुर्ती, जो कि अगेन मैंने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की है। बहुत अच्छा क्लोथ मटेरियल मिला है और सबसे अच्छी बात बिल्कुल लेटेस्ट है। तो जैसे ये भी आप ब्लैक में देख रहे हो, इस पे ब्लू का थोड़ा प्रिंट है इसलिए ये बहुत कंफर्टेबल है और उसमें भी बहुत वैरायटीज है। सो एज यू कैन सी मैंने अपने फेस को जो है मैंने बहुत ज्यादा बीबी क्रीम अप्लाई नहीं किया है। मेरे आपको अभी भी डार्क स्पॉट्स वगैरह दिख रहे होंगे विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज एवरीडे में आप शायद इतना भी नहीं करना पसंद करोगे। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। बाय द वे नाउ मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूंगी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल योर आईब्रोज गाइज, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लुक देता है। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज डार्क ब्राउन और ग्रेश ब्लैक कलर, जिससे ये और भी ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। मैं जब भी अपने ससुराल या मायके वगैरह जाती हूँ मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि आप एवरीडे में कैसा मेकअप करते हो, आप अच्छे दिखते हो, क्योंकि मैं स्टोरी वगैरह पोस्ट करती हूँ ना तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये वही वाला लुक है ना। अभी मैं अपने फेस को करूँगी सेट, और मैं बहुत लाइटली सेट करूंगी। आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो अगर आपको लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर पसंद है। द बेस्ट थिंग अबाउट फ्लिपकार्ट शॉपिंग इज कि वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज है, तो और आप देख रहे हो मैंने कॉम्पैक्ट जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से अप्लाई करने से आपका फेस बहुत मैट भी नहीं है, बट अगर आपने सेट नहीं किया ना स्वेट की वजह से जो आपका मेकअप है वो थोड़ा जल्दी खराब भी होने लगता है। बाय द वे जो मेकअप लुक है ना ये इजिली टीनेजर्स भी कैरी कर सकती हैं, वर्किंग वुमेन भी कैरी कर सकती है, अगर आप घर पे हो तो भी आप इसे कैरी कर सकते हो। अभी आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा इन है दैट इज लिप एंड चिक टिंट, थोड़ा सा चीक्स पे लगाओ एंड उसी सेम कलर को आप अपने लिप्स पर लगाओ और उसी सेम कलर को आप अपने लिप्स पर भी लगाओ, तो ये बहुत इन है
सो आज मैं इसे ही ट्राई कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी ये बहुत नेचुरल लगता है. अगेन आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट फ्लिपकार्ट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बेस्ट मनी वैल्यू मिलती है जो कि बिल्कुल वर्थ करता है. सो आई एम जस्ट टैपिंग इट विथ माई फिंगर. मैं इसे ऐसे रब करके ब्लेंड नहीं कर रही हूँ बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया ना तो जो प्रोडक्ट हमने लगाया हुआ है वह आपस में केकी हो जाएगा. तो आई एम जस्ट टेकिंग द प्रोडक्ट स्लोली एंड आई एम जस्ट टैपिंग इट. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे थोड़ा लिफ्टेड की तरह अप्लाई करूँ बिकॉज एवरी डे में आप इतना कॉन्टोर ब्लश हाईलाइट अप्लाई नहीं करते हो. वेरी लाइटली मैंने किया है. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट आप अपने लिड्स पर भी जस्ट सेम प्रोसेस में टैप टैप कर सकते हो अप्लाई करने के लिए. ये एक एडिशन कर देगा आपके लिड्स पर एक कलर का और आपका फेस जो है वो फ्लैट नहीं दिखेगा. नाउ सेम मैं लिप्स पर भी अप्लाई करूँगी. देखो मेरे फेस को मैंने ज़्यादा फेस को सेट किया नहीं, प्लस मैंने ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया जो कि यू नो लिप एंड चिप टिंट टाइप का इफेक्ट देता है मेरे स्किन पे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फेस को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. इट्स ऑलरेडी ग्लोइंग लाइक अ ड्यूई फिनिश. अच्छा एवरी डे में ना मुझे काजल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द काजल. अभी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारा बॉलीवुड मेकअप शेयर किया था, इंस्पायर्ड मेकअप का. उसमें मैंने आप लोगों को यही मोस्टली दिखाया, क्लासिक कोल आई मेकअप. अभी मैं फिंगर की हेल्प से इसे हल्का हल्का सा स्मच कर लूँगी. सो मैंने इसे हल्का हल्का स्मच कर लिया है. मुझे मालूम है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा अबाउट दिस कुर्ती. तो पता है क्या, फ्लिपकार्ट पे ना आपको सिर्फ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलते, आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. नाउ मैं अभी अपने आईलैश को कर्ल करके मस्कारा अप्लाई करूँगी. अब ये जो है ये लिटिल ऑप्शनल हो जाता है बट ये ऑब्वियसली एक बहुत चेंज क्रिएट कर देता है आपके एवरीडे मेकअप लुक में. जब भी आप अपने ऊपर वाले लैशेस पे मस्कारा लगाते हो ऑलवेज लुक नीचे और अपना मिरर नीचे रखिए और इस तरीके से मस्कारा को कोट करिए स्लोली बिल्कुल. ओके नाउ अभी हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे. अच्छा अगर आपका मन नहीं है एवरीडे में लिपस्टिक अप्लाई करना तो आप मत करो, आप सिर्फ एक लिप बाम भी वेयर कर सकते हो और बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगा. बट ट्राई टू यूज अ टिंटेड लिप बाम इफ यू वॉन्ट. अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे लिपस्टिक वेयर करना है यू कैन ऑल्सो वेयर दैट वन, बट ट्राई टू यूज अ सटल कलर. ओके तो मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ बट सो मैंने वही इयर रिंग और वही ज्वेलरी वेयर की हुई है जो मैं एक्चुअली एवरी डे में वेयर करती हूँ. एंड दिस इज द लुक जो कि आप इजिली कैरी कर सकते हो विद डिफरेंट कलर ऑफ आउटफिट, ना ओनली कुर्तीज ना ओनली टॉप्स, इवन आप साड़ी पे भी इसे वेयर कर सकते हो. एंड दिस इज द परफेक्ट एवरी डे मेकअप लुक जो कि आप कम प्रोडक्ट्स के साथ और कम समय में कर सकते हो. तो जैसे कि मैंने बताया ये जो कुर्ती है इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड यही नहीं इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं. साथ के साथ फ्लिपकार्ट में बहुत सारे लेटेस्ट ब्रांड अपडेट होते रहते हैं वीकली और फ्लिपकार्ट आपको उन प्रोडक्ट्स का बेस्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करता है. इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को. तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, चेक जरूर करिएगा. मैं सोनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर.